तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले के ऊपर। हमने लास्ट टाइम में लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। ओके, तो टेक्स्ट फॉर्मूले और बाकी जो डेट एंड टाइम फॉर्मूले हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई लेटर लिखा हुआ है, मुझे इसी का कोड में कन्वर्ट करना है। तो कोड फॉर्मूला होता है, इसको कोड में कन्वर्ट करता है, फिर आता है कैर फॉर्मूला। यहाँ पे कैर फॉर्मूला तो इसको वापस करेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो कोड फॉर्मूला क्या करता है, कोड में कन्वर्ट करता है, और कैर फॉर्मूला क्या करता है, करेक्टर में कन्वर्ट करता है, राइट। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुजीत और स्पेस देता हूँ, तो क्या आ रहा है, सुजीत, राइट। और मैं यहाँ पे अगर लिखा, एक और चीज लिखता हूँ सुजीत, और इसके अंदर काफी सारा स्पेस दे देता हूँ, तो होता है क्या है कि हमारे सेल में अनवांटेड स्पेस होता है। ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ट्रिम का फॉर्मूला। किसका यूज करते हैं, ट्रिम का फॉर्मूला। तो ट्रिम का फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। याद रखिएगा, ट्रिम का फॉर्मूला स्पेस को रिमूव नहीं करता। जैसे यहाँ देखिए, सुजीत में बहुत सारे स्पेस है, तो एक स्पेस को छोड़ दिया गया और बाकी स्पेस यहाँ पे आ गया। तो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है हमारा ट्रिम का फॉर्मूला, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सुजीत और टैप दिए और यहाँ देते हैं कुमार, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसमें हम ट्रिम लगाते हैं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि सुजीत कुमार आ तो गया, लेकिन इसकी जो लेंथ को काउंट करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है, एक लेंथ होता है। अब चलिए इसकी लेंथ की बात करें, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ के लिए, लेन का फॉर्मूला। तो लेन फॉर्मूला जब इसमें लगाएंगे तो देखिए 12 आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर मैनुअल काउंट करते हैं तो क्या होगा, मैनुअल काउंट करते हैं तो इसका जो ये है काउंट है वो आपका 11 आता है। तो टी और 1 के बीच में एक हिडन कैरेक्टर होता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, क्लीन का। क्लीन फॉर्मूला, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट में नहीं है उसको क्या करता है, क्लियर करता है। ओके, क्लियर फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास एक चीज और भी है, जैसे मैंने यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और मुझे इन नंबर्स का क्या चाहिए, मुझे इस नंबर में ही चाहिए कि जितने भी डॉट है वो डैश बन जाए, जितने भी डॉट है क्या हो जाए, डैश बन जाए। तो इसके लिए हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इसको लगाते हैं टेक्स्ट, इसमें बोलते हैं कि भाई डॉट है, उस डॉट को मुझे डैश में कन्वर्ट कर देना है, डैश में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे रिप्लेस का भी फॉर्मूला है जो कि रिप्लेस करता है। तो इसमें रिप्लेस फॉर्मूला पोजीशन पे होता है कि जैसे कि मुझे चौथे नंबर को एक नंबर से करेक्ट करना है, चौथे नंबर से एक करेक्टर को मुझे स्लैश करना है। देखिए इन्वर्टर को मैं डालेंगे, ध्यान रखिएगा, तो इस स्लैश में कन्वर्ट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला करेक्टर के बिहाफ पे अलग रिप्लेस करता है, और रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है, पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। अब यहीं पे प्रॉब्लम आया कि मुझे क्या करना है कि सुजीत कुमार जो लिखा हुआ है इसमें से स्पेस देना है, बट प्रॉब्लम ये है कि सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस दे कैसे।
क्योंकि जो रैप टेक्स सुजीत कुमार के बीच जो रैप टेक्स है वो ऑल्ट एंटर प्रेस करने से होता है। अब फॉर्मूले के अंदर में ऑल्ट एंटर तो कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम सिंपल सा लगाते हैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का, और सब्स्टिट्यूट में इसको सेलेक्ट करते हैं। ऊपर मैंने बताया था कि हर करेक्टर का एक कोड होता है, और वो कोड जो है ऑल्ट एंटर का कोड 10 होता है, तो हमने 10 डाल दिया और यहाँ पे कर दिया स्पेस। तो आप देखेंगे कि सुजीत कुमार को स्पेस से कर दिया इसमें। अब 10 जो था मुझे कैसे पता चला, आप भी पता कर सकते, कुछ नहीं करना है, किसी एक सेल पे डबल क्लिक करें, ऑल्ट एंटर प्रेस करें, डबल क्लिक करें, ऑल्ट एंटर प्रेस करें, और फिर इसका कोड फॉर्मूले से कोड को जान ले कि इसका कोड क्या है। इसका कोड क्या है, कोड 10 है। अब चलिए कुछ और फॉर्मूले उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने ये फॉर्मूले लगाए, इस तरह के फॉर्मूले, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से तीनों को अलग करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि लेफ्ट से 3 लेटर को अलग कर देता है, या जो भी लेटर नंबर ऑफ लेटर डालेंगे वो अलग कर देगा। फिर आता है राइट का फॉर्म, इसे मिड का फॉर्मूला, मिड का फॉर्मूला जो कि मिड से अलग करेगा। तो हमने बोला कि मुझे चौथा पांचवें से 3 लेटर अलग करना है, तो पांचवें से इसने 3 लेटर अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आ गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 लेटर देता हूँ, तो राइट से 3 लेटर अलग हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसने राइट से 3 लेटर को अलग कर दिया। अब अलग करने की बात आती है, तो मान लीजिए कि मेरे पास ईमेल आईडी है और मैंने लिखा kumar@iptindia.com। अब मुझे इसमें से आईडी अलग करना है और साइट को अलग करना है, तो कैसे करें? क्योंकि तो अगर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊं और बोलूं कि इसमें से 5 लेटर अलग कर दे, तो देखिए कुमार अलग हो गया। क्या हो गया? कुमार अलग हो गया। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि 5 लेटर की जगह पे 7 या 10 या 15 भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक फाइंड का फॉर्मूला आता है। फाइंड और सर्च दोनों एक ही जैसा होता है, जो कि किसी भी करेक्टर को, जैसे एट द रेट लगाया, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला 1, तो इसने देखिए 6 लेटर अलग कर दिया। 6 लेटर क्या किया, अलग कर दिया। तो इस फाइंड का फॉर्मूला हम कॉपी करके डायरेक्ट लेफ्ट के अंदर डाल सकते हैं, इसमें से -1 कर दें। अब -1 क्यों किया, क्योंकि फाइंड का फॉर्मूला एट द रेट तक का पोजीशन देते हैं, तो ये देखिए पोजीशन आ गया। और फिर यहाँ पे हमारे पास राइट के लिए हमारे पास राइट का फॉर्मूला होता है, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ में से -6 कर दें, और ये आपका अलग हो जाएगा, देखिए फाइन फॉर्मूला। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट बिफोर, हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि एट द रेट जो है हमारा है, तो ये ऑटोमेटिकली एट द रेट से अलग कर देगा। और एक फॉर्मूला आता है टेक्स्ट आफ्टर, जो कि यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि एट द रेट की बात का जो फॉर्मूला है वो अलग कर दे, तो ये देखिए एट द रेट का बात का फॉर्मूला हमारा अलग आ गया। तो ये लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है, 2365 का है, आपके सिस्टम पे होगा चाहे भी नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब हमने एक्सट्रैक्ट करना तो सीख लिया, अब बात करते हैं ज्वाइन की, कि हम जो है ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सुजीत और यहाँ पे हमने कुमार दे हुए, सुजीत और कुमार। अब मुझे क्या करने हैं, मुझे करने हैं इनको ज्वाइन करना है। तो सुजीत को यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे कॉनकटा नेट का फॉर्मूला है, कॉनकटा नेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग दे, फिर स्पेस दीजिए, सॉरी कॉमा देना था यहाँ पे, स्पेस
और फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया कुमार को एंड रिप्लेस किया, देखिए सुजीत कुमार कंबाइन हो गए। इसको आप जो है ना एंड फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि आपने एंड लगाया और स्पेस दिया, अगेन एंड लगाया, इसको सेलेक्ट किया और एंड पे प्रेस कर दिया, तो ये आपके ज्वाइन हो गए। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नेम है, जैसे कि मेरे पास नेम है यहाँ पे कि पूजा मोहन वगैरह और सब कुछ करना है, तो 2016 तक तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जो इकट्ठा एक रेंज को कर सके। हमें कॉनकेटेनेट फॉर्मूला लगा के ही एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता था, एक एक करके सेलेक्ट किया कॉमा दिया, सेलेक्ट किया कॉमा दिया, सेलेक्ट किया कॉमा दिया। तो प्रॉब्लम कब होती थी, जब मेरे पास 8, 10 या 15 से ऊपर मेरे पास नंबर्स होते, डेट मैंने कि 1000, 1500 के ऊपर होते थे तो प्रॉब्लम हो जाता था, नेम होते थे तो वहां पे मेरे पास दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है कॉनकेट का। कॉनकेट फॉर्मूला जब लगाएंगे तो एक क्या करेगा, सबको कंबाइन कर देगा। दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लेंगे, और टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले को मैंने सेलेक्ट किया। इसमें डिलीमिटर देना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, मैंने कि दो टेक्स्ट के बीच में कौन सा गैप चाहिए, तो मैंने कॉमा कर दिया। ओके, तो ब्लैंक को इग्नोर करना है, हाँ ब्लैंक को इग्नोर करना है। ओके, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ एंटर मारा तो देखिए पूजा मोहन कविता इस तरह से कॉमा के साथ वो कंबाइन हो गया। लेकिन लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है, पुराने एक्सेल में नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। देखिए टेक्स्ट को ज्वाइन करने में छोटी सी प्रॉब्लम होती है, अब उन प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास डेट है, 1 जनवरी का डेट डाल दिया और आज का डेट डाल दिया, दोनों का सेम फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश से कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, उसकी फ्रॉम में कहाँ से कहाँ तक वर्क किया, इस तरह से ज्वाइन करना है, इसके लिए जाहिर सी बात है कॉनकेटेनेट फॉर्मूला हम लेंगे, या टेक्स्ट ज्वाइन भी ले सकते हैं, कॉनकेट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉनकेटेनेट यहाँ पे सुटेबल रहेगा। इसको सेलेक्ट किए, इस यहाँ पे इस इधर दिया स्पेस, इसको सेलेक्ट किए, बट ये नंबर आएगा। आप यहाँ पे कॉनकेट फॉर्मूला कॉनकेटेनेट का जो होता है सिंबल वो भी यूज करेंगे तो सेम प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे स्पेस टू स्पेस और n% मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो भी यही प्रॉब्लम दे रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो आपका डेट है सेम होता है किसमें, नंबर में। जो आपका डेट है सेम किसमें होता है, नंबर में होता है, राइट सर, इस तरह के नंबर में होते हैं। जब फॉर्मूला चलता है तो पर्टिकुलर टेक्स्ट डेट पे, एज पे नहीं चलता है, पर्टिकुलर विजुअल वैल्यू पे नहीं चलता है, जो ओरिजिनल है उसी पे चलता है। इसको क्या किया जाए, तो इसको कुछ नहीं किया जाएगा, इसमें हम जो है अपना टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला। तो हम इसके सेलेक्ट कर, पहले पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ और लिखना है मैसेज, तो जैसे फ्रॉम n% और टेक्स्ट। अब n% लिया, आप यहाँ पे कॉनकेटेनेट कॉनकेट कुछ भी ले सकते हैं। डेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट दिया कि DD/DDD, सॉरी MM और स्लैश वापस YY, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने इस्तेमाल किए थे। फिर n% स्पेस 2 लिखा हमने यहाँ पे, 2 स्पेस दिया, फिर n% और फिर हमने सेलेक्ट कर लिया इसको डेट को, सेकेंड डेट को, लेकिन ऐसे नहीं, टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसमें दे देते हैं DD/MMM/YY और इसको एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए दो डेट आपस में इस तरह से ज्वाइन हो गए। इस तरह से डेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट सर, कोई डाउट इसमें? नो सर। लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि डेट मेरा टेक्स्ट में होता है, जैसे ये देखिए 23.03.2020, 22, इस तरह के डेट है, तो
अब ये सिस्टम इसको डेट नहीं समझ रहा है, इसको डायरेक्ट कॉन्केट कर सकते हैं क्योंकि इसको टेक्स्ट समझता है, लेकिन इसको आप चाहते हैं कि नहीं इसको कॉन्केट समझे, मतलब डेट समझे और फिर कॉन्केट एंड प्रोग्राम फॉर्मूला वर्क हो, तो उसके लिए इसको डेट में कन्वर्ट करना होगा। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार, जिसमें आपको दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलन। टेक्स्ट टू कॉलन में आप आए, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ सेलेक्ट कर ले DMY एंड ओके करें। कन्वर्ट हो गया सर, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं डेट को। इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और मिसलेनियस फॉर्मूले हैं उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ हम टेक्स्ट फॉर्म फॉर्मूले कैटेगरी में टेक्स्ट फॉर्मूले, तो बहुत सारे इसमें है हमारे पास मिसलेनियस फॉर्मूले, उसको हम एक बार देखते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है स्प्लिट का। अब स्प्लिट क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सुजीत कुमार सिंह। अब स्प्लिट फॉर्मूला नया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला लिया और सेलेक्ट कर लिया, और इसमें बोला जाता है क्या है, मतलब कि कॉलम कॉलम का क्या रिमाइंडर है, डिलिमिटर है, तो हमने बोला स्पेस। एंटर प्रेस करो, करते ही आप देखेंगे सुजीत कुमार अलग अलग आ गए। देखिए मुझे सुजीत कुमार अलग अलग नहीं, नीचे की तरफ चाहिए, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट सेलेक्ट कीजिए और रोल कॉलम लिमिटेड में छोड़ दीजिए, रोल लिमिटेड में बोल दीजिए कि स्पेस है, और यहाँ एंटर प्रेस कीजिए। इस तरह से रो में हो जाएगा, लेकिन ये लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है इसलिए नॉर्मल एक्सेल में आपको नहीं दिखेगा। एक फॉर्मूला है टेक्स्ट कैटेगरी की, मेरी लास्ट फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले पहले उसको पहले फिलहाल करेंगे। जैसे कि एक अपर का फॉर्मूला है जो कि अपर में कन्वर्ट कर देता है, एक लोअर का फॉर्मूला है जो कि लोअर में कन्वर्ट करता है, एक प्रॉपर का फॉर्मूला है जो कि प्रॉपर में कन्वर्ट करता है। मैंने फर्स्ट लेटर जितने भी नेम होंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सुजीत कुमार, जितने भी वर्ड होंगे सारे लेटर को कैपिटल करते हैं। अब बात करते हैं हम रैप्ट, और रैप्ट फॉर्मूले पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और मुझे इसको रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला रैप्ट। रैप्ट सेलेक्ट किया करने के बाद हमने बोला कि पांच बार रिपीट करो, तो देखिए ए को इसने पांच बार रिपीट कर। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, रैप्ट फॉर्मूले का बेनिफिट क्या है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास नेम है, और नेम में से यहाँ पे पूजा सिंह हो गया, यहाँ पे मोहन कुमार वर्मा हो गया, यहाँ पे उदय शर्मा हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने, यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने, कैसे करेंगे? तो फर्स्ट नेम के लिए तो मैं लगा सकता हूँ टेक्स्ट बिफोर का फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे बोलूंगा स्पेस से अलग कर लो, या लेटेस्ट एक्सेल आपके पास नहीं है तो आप लेफ्ट का फॉर्मूला और इसमें आप फाइंड का फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे कि स्पेस से फाइंड करो स्टार्टिंग वन से और इसमें माइनस वन करो, तो ये आपका निकालते हैं। दोनों मेथड बताए, बट आफ्टर में दिक्कत है, क्योंकि अगर आप लगाते हैं फॉर्मूला आफ्टर टेक्स्ट आफ्टर का, तो टेक्स्ट आफ्टर में छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अगर मैंने बोला कि स्पेस करो तो ए सिंह आ गया, लेकिन इसमें देखिए यहाँ आएगा कुमार सर, तो मतलब कि लास्ट नेम अलग करना है लास्ट स्पेस से, चाहे जितना ये स्पेस हो सकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला सबसे पहले किसका, सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो स्पेस है उसको रैप्ट की मदद से 99 बार रिपीट। तो देखिए मोहन कुमार वर्मा के बीच में 99 स्पेस,
फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा राइट का फॉर्मूला और इसमें से 99 लेटर को अलग कर, इसमें मेरे पास मैंने कोई कुछ स्पेस और ताकि वही 80-85 स्पेस और बर्मा अलग हो गया। और मैंने अभी भी बताया कि ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर रैप की दूसरी एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, तो दूसरा थोड़ा सा आर्टिकल डिजिटली है, थोड़ा सा एक विजुअल है, सॉरी माफ कीजिएगा। जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, तो आप लोग क्या करते हैं कि मुझे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन लगा, तो चलिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने यहाँ पे जो है डेटा बार लगा दिया, बार आ गया। आप कुछ लोगों का कहना था सर मुझे बार यहाँ चाहिए, इस पर नहीं चाहिए, तो चलो वो भी हो जाएगा। हम इक्वल करके इसको सेलेक्ट कर देते हैं, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम इस पर बार लगाते हैं। बोले सर नंबर दो दो बार विजिट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज रूल्स में जाते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ विजुअल बार ओनली दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं एंड अप्लाई देन ओके। इसमें क्या हुआ, अब सिर्फ बार ही विजुअल हो, अब दिख रहा है परफेक्टली, बहुत अच्छा गुड है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं इसको कहीं कॉल करूंगा तो मेरा बार कॉल नहीं है, इसमें नंबर कॉल किया वी लुकअप और बहुत सारे फॉर्मूले की मदद से अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो देखिए नंबर ही कॉल होगा, इसका बार कॉल नहीं होगा। अगर मैं मैनुअली बार लगा भी दिया तो पूरा बार दिखेगा, वो जो एक्चुअल बार है वो बार नहीं दिखेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि जो यहाँ पे बार क्रिएट हो और कहीं पे कॉल भी कर सके। तो इसको मैं कर देता हूँ छोटा, इसको डिलीट नहीं करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, चाहे इसको डिलीट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके लिए रैप फॉर्मूले का इस्तेमाल, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा थोड़ा सा बड़ा और इक्वल रैप का फॉर्मूला लगाया और रैप फॉर्मूले में मैंने ए वाला दिया और कॉमा इसको सेलेक्ट। तो इसने क्या किया, एक लंबा सा इस तरह का बना दिया। अब इसको और बेटर दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ फॉन्ट के अंदर जब आते हैं तो एक ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का फॉन्ट आएगा, जी हाँ बी से स्टार्ट होगा, ब्रिटैनिक बोल्ड, एरा ब्रिटैनिक बोल्ड जब सेलेक्ट करेंगे तो एक कुछ इस तरह का बार बना है, ये भी बहुत बड़ा बार है। इसको और छोटा करने के लिए मैंने इस पर डिवाइड बाय 5 कर दिया और नीचे की तरफ एंट्री कर दी। इसकी कलर वलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह का बार बना सकते हैं। अब मैं इसको कहीं भी कॉल करूंगा, इसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके किया और इसी के ऊपर का फॉर्मेटिंग जो है पेन कर पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि सेम बार आया। अगर मैं यहाँ पे B3 की जगह पे B6 करता हूँ, देखिए B6 आया, B7 करता हूँ तो बार लुकअप होगा क्योंकि करेक्टर है। इसको ट्राई करके देखिएगा तब समझ में आएगा। अब चलिए अगली कैटेगरी हम बात करते हैं डेट। अब टेक्स्ट कैटेगरी से बढ़ते हैं और डेट कैटेगरी के ऊपर आप आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम डेट लिखेंगे कैसे, कोई अगर डेट आपको टाइप करना हो तो डेट टाइप कैसे करेंगे। देखिए डेट टाइप करने से पहले आप चेक कीजिए अपना डेट का फॉर्मेट, जो आपका नीचे डेट का फॉर्मेट होता है उस डेट फॉर्मेट को चेक कीजिए। अगर आपका डेट MMDDYY है तो जैसे आज का डेट डालना है तो आज का डेट तो 9-9 है, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5 तारीख का डेट डालना है तो मुझे 9/5 डालना, ठीक है ना। देखिए आपका डेट, आपका अगर ये है DDMMY, जैसे कि मेरा DDMMY है तो 9/5 जो है ये हो जाएगा 9 May, क्योंकि 5 को इसने क्या लिया, मंथ। अब ऐसी कंफ्यूजन है कि आप, अब मैं आपके सिस्टम पे भेजूँ इस फाइल को और आप सिस्टम पे फाइल खोलेंगे तो आपको हम ये दिखेगा 5 September, क्योंकि आपका डेट सिस्टम होगा MMDDYY। तो दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, MMDDYY और दूसरा क्या होता है, DDMMYY। तो आप इस कंफ्यूजन के लिए किसी को डेट भेज रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है, तो सिंपल सी बात है आप डेट का फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि आज का है 2000
गया हमारा 22, मंथ हो गया हमारा 9 और डे हो गया 5। अब किसी भी सिस्टम फॉर्मेट में जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सेम का सेम दिखेगा। अब बात करते हैं कि आज की सिस्टम डेट कैसे लाएंगे। तो सिस्टम डेट लाने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला टुडे का। तो टुडे का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट, सॉरी टुडे का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम देता है, और नाउ का फॉर्मूला है, सॉरी टुडे का फॉर्मूला सिस्टम डेट देता है और नाउ का फॉर्मूला डेट एंड टाइम देता है। अब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डेट में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को अलग, तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि ईयर को अलग करता है, मंथ का फॉर्मूला है जो कि मंथ को अलग करता है, और टेक्स्ट का फॉर्मूला है, सॉरी डे का फॉर्मूला है जो कि डे को अलग करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज और आती है कि मुझे जो मंथ अलग करने हैं वो 9 नहीं, मुझे सितंबर इस तरह से अलग करना है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे MMMM अलग हो जाएगा। अगर आपको डे अलग करना है तो यहाँ पे अगेन टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे आप कर देंगे DDD, ये आपका डे अलग कर देगा। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी एक डेट पे कुछ पीरियड कैसे डाला जाए। जैसे मुझे इसके ऊपर पीरियड डालना है, मतलब कि 20 दिन जोड़ने हैं, तो सिंपल सा इसमें प्लस कर दीजिए, दिन जुड़ जाएगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलर डेट में 3 महीने जोड़ने, ठीक है, तीन महीने जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला, 3 महीने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला ई डेट का फॉर्मूला, किसका लगाएंगे, ई डेट, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डेट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब सुझे एक नंबर आया, बेसिकली डेट पे नंबर फॉर्मेट में दिया है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ आपको क्या करना, हैश टैग कर देना। हैश टैग करते ही आप देखेंगे कि डेट आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल मैंने मुझसे किसी ने पूछा है, हमारे एक सुहास पोदार जी हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर डेट हमारा डिफरेंट फॉर्मेट का आया है। उन्होंने सवाल अच्छा पूछा, तो मैं सोचा कंसीडर कर लेता हूँ कि डेट मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट का है तो कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि ये आपका 9 सितंबर आ गया, लेकिन एक्चुअली में क्या था, ये आपका 9 मई था। तो उसको चेंज करने के लिए डेटा मेनू बार के अंदर वही टेक्स्ट टू कॉलन, और टेक्स्ट टू कॉलन के अंदर डिलिमिटर में नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए कि MDY और कर दीजिए फिनिश, ये आपका चेंज है। ठीक है, तो अब डेट ऐड करने के लिए हमने क्या लगाया था, ई डेट का फॉर्मूला, क्या लगाया, ई डेट का। अब ई डेट का फॉर्मूला जब लगाया, इसको अगर मुझे माइनस करना है तो मैंने -3 कर दिया तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि अगर नंबर प्लस में है तो एट मंथ प्लस होगा, और माइनस में है तो मंथ माइनस होगा, किसकी मदद से, ई डेट फॉर्मूले की मदद से। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाला और मुझे अपने डेट में 2 साल 4 महीने और 5 दिन ऐड करने हैं, 2 साल 4 महीने और 5 दिन, तो कैसे ऐड होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा डेट का, ऊपर जो डेट का अलग करके सेपरेट किया ना मैंने, वो लगेगा कि हम डेट का फॉर्मूला इसमें से ईयर को अलग करेंगे और हम +2 कर देते हैं, कॉमा मैं यहां से मंथ लिया और इसमें से मंथ अलग किया और इसमें +4 कर दिए, फिर मैंने यहाँ पे डे का फॉर्मूला लिया, इसमें से डे अलग किया और 5 दिन जोड़ दिया प्लस। अब आपका 2 साल 4 महीने 5 दिन की डेट यहाँ पे दिख जाएगी, ये देख सकते हैं आप। अब डेट ऐड करना सीख लिया तो डेट को सेपरेट करना भी सीखना होगा, दो डेट के बीच की डिफरेंस कैसे निकलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। एक इसमें डेज का भी फॉर्मूला है,
डेज का फॉर्मर लगाएंगे यहाँ पे, लेटेस्ट डेट ओल्डेस्ट डेट आपको यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। एक फॉर्मूला डेज 360 का भी है जो कि दो डेट के बीच में लेगा, लेकिन साल को 365 नहीं 360 दिन लेता है। अब दो डेट का बीच का डिफरेंस हम डेज में निकाला। अब बात आता है कि मुझे नेटवर्किंग डे चाहिए, मेरा सैटरडे संडे को छुट्टी है और उसके अलावा मेरे पास कुछ हॉलीडे है यहाँ पे। ठीक है, 3 मार्च, 17 मार्च, 20 अप्रैल, इस तरह की छुट्टियां हैं हमारे। ये छुट्टियां कंसीडर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ पे हमने डेज को सेलेक्ट कर लिया। डेज सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सैटरडे संडे को इसने स्किप कर लिया, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, मंडे होता है संडे होता है। तो उसके लिए हम यहाँ लगाएंगे नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहाँ पे अपना वीकेंड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया संडे ओनली, और यहाँ पे आप हॉलीडे सेलेक्ट कर ले अपना, कि मैंने अपना हॉलीडे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हॉलीडे आ गया। आपका आ गया सैटरडे संडे के अलावा क्या डेट है और इन हॉलीडे के अलावा क्या डेट है। तो इस तरह से दो डेट के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। अब बात आती है कि किसी दिन का डेट डालते हैं, उस महीने का लास्ट डेट पता करना है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला ईओ मंथ। ईओ मंथ पे 0 दे दिया तो उस महीने की लास्ट डेट दे देगा, 1 दोगे तो उसके अगले महीने की, और दिए तो उसके अगले महीने की दे देगा। ये थी हमारी डेट की कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं टाइम की कैलकुलेशन के लिए, कि टाइम का क्या कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक टाइम, हम कैसे टाइप करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात आती है कि हम टाइम टाइप कैसे करेंगे। तो ऐसे अभी का टाइम टाइप करना है तो हमें 8/00, या मान लीजिए कि 37 है तो 37, और यहाँ पे PM लिख के एंटर मारेंगे तो कंसीडर करेगा। यहाँ देखिए ऊपर इसने 20:37 ले लिया। अगर 8:37 डालोगे तो मॉर्निंग का 8 ले लेगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप 24 का जो स्लैब है उसको आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं करेंट सिस्टम टाइम कैसे आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है नाउ का, जो कि डेट एंड टाइम देता है। बट डेट एंड टाइम पर प्रॉब्लम ये है कि डेट मिनट, यहाँ पे सिर्फ डेट दिया क्योंकि फॉर्मेट चेंज है, इसलिए डेट दिया। मैंने यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगाता हूँ और एंटर, देखिए डेट एंड टाइम। बट डेट एंड टाइम में सिर्फ टाइम को अलग करना। तो होता क्या है कि आपका जो होता है इसमें डेट जो होता है नंबर में होता है और टाइम डेसिमल में होता है। तो मुझे इसमें से डेसिमल अलग कर लेना है, सिंपल सा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंट का, जो कि डेसिमल को रिमूव करता है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि विथ डेसिमल माइनस इंट विदाउट डेसिमल, और यहाँ पे आपके टाइम आ जाए। अब इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब किसी पर्टिकुलर टाइम से मुझे आवर मिनट सेकेंड अलग करने, तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लिख दिया, मुझे आवर अलग करने हैं तो यहाँ पे आवर का फॉर्मूला आवर अलग हो जाएगा, लेकिन आवर का फॉर्मेट यहाँ पे नंबर फॉर्मेट देना पड़ेगा। इसके बाद मिनट का फॉर्मूला है, यहाँ पे मिनट अलग कर दिए, मिनट सॉरी मिनट, इसमें से मिनट अलग कर देगा। और यहाँ पे सेकंड का फॉर्मूला है जो कि इसमें से सेकंड को अलग कर देगा। तो हमारे पास आवर मिनट सेकंड, तीन फॉर्मूले होंगे इस तरह से हो सकते हैं। और वापस टाइम का फॉर्मूला है जो कि तीनों को आपस में कंबाइन करके टाइम बना देता है। अब कोई टाइम है उसमें से अगर कोई टाइम का अगर कुछ एडिशन करना है तो कैसे करेंगे। एक टाइम है, मुझे इसमें मान लीजिए कि 10 मिनट जोड़ने हैं, तो मिनट को अगर आपने टाइम फॉर्मेट में डाला हुआ है इस तरह से, तो आप नॉर्मली प्लस कर लीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने मिनट को नंबर फॉर्मेट में डाला, जैसे 20 डाल दिया, 20 मिनट। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सेल में 1=24 आवर होता है, 1=24 आवर होता है।
तो इसमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें ऐड करते समय टाइम का फॉर्मूला लेंगे, टाइम आवर 0, मिनट 20 और सेकेंड 0। अब देखिए ये ऐड, अभी एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे टाइम पे देखिए, एक चीज देख लीजिए, अभी अभी भी जस्ट ज्वाइन किए हैं हमारे पंकज जी। पंकज जी मेरे पास, मैंने ऑफिस सुबह 10 बजे, 10:30 बजे गया और रात को 8:30 बजे आया, कितना घंटा काम किया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम कर दीजिए। लेकिन आप ऑफिस गए दोपहर के 2 बजे और आए रात के 3 बजे, तो यहाँ पे डेट चेंज हो जा रहा है। तो इस पे आपको ऐसा माइनस वाला सिस्टम यूज करेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना होगा, डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिखना होगा। जैसे आपका अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 9/9 14 बजे और आपका 9/10 सॉरी 10 सितंबर को आपने सुबह के 3 बजे ऑफिस से आए। तो सबसे पहले डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना, इकट्ठा लिखने के लिए कुछ नहीं करना है कि आप 9 सितंबर और इसको आपस में सम कर। बट बोले सर फॉर्मेट नहीं आया। हाँ नहीं आया, क्योंकि इस पे डेट का फॉर्मेट पहले से लगा हुआ है, इसलिए नहीं आया। तो एक काम, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसमें करता हूँ, यहाँ देखिए, तो मैंने डेट प्लस टाइम को लिया, ए आ गया इस तरह के। सेम यहाँ पे डेट प्लस टाइम को एंटर किया तो ए आ गया। तो यहाँ पे दोनों डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिख लें और फिर आप करें लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट ऑफ टाइम, लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम आ जाएगा। अब इस पे आप अपना टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कर दें। लेकिन टाइम का फॉर्मेट अप्लाई होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए एच। और यहाँ पे ये कब होगा, जब 24 घंटे से ऊपर का अगर डिफरेंस होगा तो प्रॉब्लम होगी, उस केस में इस वाले फॉर्मेट को इस्तेमाल कीजिएगा। सॉरी एच एच करना था है यहाँ पे MMSS ये आएगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम की कैलकुलेशन होती है खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज रेफरेंसेस के ऊपर, रेफरेंस कैटेगरी के फॉर्मूले के ऊपर। देखिए सिंपल सी बात जान लीजिए कि मेरे पास मुझे पता करना है कि रो क्या है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है रो का, जो कि रो नंबर देता है। एक फॉर्मूला है हमारे पास कॉलम का, जो कि कॉलम नंबर देता है जिसमें लगाएं। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है जैसे मुझे सीरियल नंबर लगाना है तो 1 2 लिख के आप लोग क्या करते हैं, जनरली ड्रैग कर देते हैं ना इस तरह से। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि 20 से अगर मैंने कोई सीरियल डिलीट कर दिया तो फिर आपको दोबारा सीरियल लगाना पड़ता है, नहीं तो सीरियल आपका मिसमैच हो जाता है। यहाँ पे आपका रो का फॉर्मूला वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप लगाइएगा रो, अब बोलेंगे सर तो 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कर दीजिए -1 और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब बीच में से कोई डिलीट करेगा तो आपके सामने है। सेम कॉलम में भी कर सकते हैं उसी तरह से। अब मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे C1 पे कोई वैल्यू दिया, अब मैं यहाँ पे देता हूं कि रो नंबर वन एंड कॉलम नंबर हमने बोल दिया 3। तो हमारे पास एक एड्रेस का फॉर्मूला है कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर डालने पे एक एड्रेस बना देता है C1। पर प्रॉब्लम है कि मुझे C1 का डेटा चाहिए, C1 का एड्रेस नहीं चाहिए, कैसे ले। इसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है, जो कि जो नंबर टेक्स्ट में है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। इसे देखिए 856 कन्वर्ट करके दे दिया। ओके, बट प्रॉब्लम ये आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। चलिए एक प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम और नेम का लिस्ट बना दिया। और यहाँ पे मैं जैन फैब लिख देता हूँ।
दिसंबर तक। और इसमें रैम बिटवीन की मदर से इसके अंदर हम कुछ रैंडम नंबर डाल दें। और कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देते ताकि रैंडम नंबर हट जाए। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लगाया बॉर्डर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे मोहन का क्वार्टर वन का टोटल चाहिए, मतलब इसका टोटल, या क्वार्टर टू का टोटल मतलब कि इसका टोटल, क्वार्टर थ्री का टोटल इसका टोटल। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, बट हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं राइट का फॉर्मूला लगा के इसमें से वन को अलग कर लिया। वन अलग करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगाया। चूज में मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर वन है तो यहाँ पे जैन आए, ठीक है, वन हो तो क्या है जैन आए। फिर अगर टू हो तो अप्रैल आए। मैं हर क्वार्टर का पहला मंथ एंट्री करवा रहा हूं। ए अगर थ्री हो तो क्या है जुलाई, एंड फोर हो तो अक्टूबर, तो ए क्या होगा जैन फेब्रुअरी। फिर मैं मैच फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मैच एक फॉर्मूला होता है किसी भी सेल वैल्यू को रो एंड कॉलम दोनों में ढूंढता है। तो हमने बोला कि तुम ढूंढो इसमें, तो ढूंढने के बाद इसमें एग्जैक्ट मैच पे जीरो कर दिए एंड एंटर मारते हैं, तो इसने टू दिया, बोला कि जैन जो है दूसरे नंबर पे है। फिर वापस ये हमारा कॉलम नंबर निकल गया। वापस मैच का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको हम नेम को सर्च करते हैं अपने नेम लिस्ट में ताकि रो पता चल जाएगा, क्योंकि मैच फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आ गया ए वन से, यहाँ पे देख पा रहे हैं A11 सॉरी 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगाता हूँ और बोलता हूँ कि रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, तो ये हमारा एड्रेस आ गया B3। तो B3 तो स्टार्ट है, एंड कहाँ तक है मार्च तक है, तो मार्च में कैसे आएगा। हम जानते हैं कि एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो मैंने बोला कि रो नंबर तो वही होगा बट कॉलम नंबर में हो जाएगा +2, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि D13 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब हम सम वगैरह लगाते हैं तो एड्रेस कुछ इस तरह का होता है, B2 से D2, B3 से D3। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कॉनकेट एंड परसेंट के सिंबल से, ये कॉलन लगा के कॉनकेट कर देते ताकि एक एड्रेस आ जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ सम करूँगा तो सम इसको एज ए एड्रेस रीड ही नहीं करेगा। क्या रीड करेगा, ये टेक्स्ट है ABCD है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में, जी हाँ इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको डाल देंगे। तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको बताएगा कि जो एड्रेस है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, रेफरेंस में। अब देखिए कैसे होगा, इसको आगे कैसे करते हैं, इसको मर्ज कैसे करेंगे। तो मर्ज करने के लिए इसको कॉपी किया, यहाँ जनवरी यहाँ पे जो C10 है इसके जगह पे पेस्ट कर दिया। फिर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जो मैच है मैच में जो D10 है इसके जगह पेस्ट कर दिया, ओके। फिर वापस हम इस मैच को उठाते हैं, इस मैच को लिए और यहाँ B11 में पेस्ट कर दिए और यहाँ पे भी B11 है, दोनों B11 पे पेस्ट कर दिए। फिर इस वाले मैच को भी उठाया और यहाँ कहाँ पे है E10 इसके जगह पे पेस्ट कर दिया और यहाँ भी E10 है इसके जगह पे पेस्ट कर दिया। इन दोनों फॉर्मूले को यहां से उठाते हैं और यहां जहां हमारा E11 है वहां पेस्ट कर दिया और यहां जहां दूसरा है हमारा उसको कॉपी किए D11 को और जहां D11 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया और मैंने इसको एंटर किया, रिजल्ट आ गया। अब इसको मैंने कॉपी किया
और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया जहाँ इनडायरेक्टली E11 आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस सबको एक बार शिफ्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से उठा के रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 हुआ तो क्वार्टर 2 आ जाएगा, 3 हुआ तो क्वार्टर 3 आ जाएगा, क्वार्टर 4 है तो क्वार्टर 4 का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे मोहन के जगह पे ओम है, ओम का टोटल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कई सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे मिक्सअप करके एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। समझ गए? अब इसको ट्राई करेंगे तो आप समझेंगे, बाद बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको ट्राई कीजिए तो समझ पाएंगे आप। राइट सर? जी सर। हाँ हाँ एकदम। चलिए, तो मिलते हैं ए फाइल में, ए फाइल और आज की फाइल आज की भेज देता हूँ। आज की इतना ही, क्योंकि काफी ज्यादा हो गया, आप लोगों की प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लुकअप, एंड कल की क्लास मिस मत कीजिएगा क्योंकि कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ।